शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, आपके परिवार बहुत ही सुखी होगा। तो आइए आपकी शिक्षा के इस नए सेगमेंट में आज एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है, क्या अंतर है यूके, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में? क्योंकि नॉर्मली इंग्लैंड के लिए हम यूज़ करते हैं यूके शब्द, ब्रिटेन शब्द, ग्रेट ब्रिटेन शब्द, परंतु दरअसल यह सही नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ और है, यूके की और है, ब्रिटेन की और है, और ग्रेट ब्रिटेन की कुछ और है। तो आइए आज के इस सेगमेंट में हम इसी चीज़ को समझेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ज्योग्राफिकल लोकेशन मालूम होना चाहिए कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है क्या। तो ये है विश्व मानचित्र। विश्व मानचित्र में हम देख सकते हैं, पहले हम समझते हैं कॉन्टिनेंट्स को। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ये एशिया आ गया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका आ गया, साउथ अमेरिका आ गया, और ये आ गया अफ्रीका महाद्वीप। इनमें एक यहाँ पे महाद्वीप है जिसे मैं, यहाँ पे एक महाद्वीप है, ये मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ग्रीन से नोट कर रहा हूँ। ये है आपका यूरोप, वही यूरोप जिसने ऐतिहासिक काल में हर जगह शासन किया है। इस यूरोप में आप देख सकते हैं, ध्यान रखिए कहाँ मैंने यूरोप एग्जैक्ट लोकेशन बताई है। इस यूरोप में हम इधर करेंगे, इधर यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन सब कुछ देखने को मिलेगा। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और ये यूरोप है, हम यहाँ पे जाने वाले हैं। ओके, देन अब हम जाते हैं इस लोकेशन में। तो ये आ गई वो लोकेशन जिस लोकेशन की हम बात करने वाले हैं कि इंग्लैंड क्या है, यूके क्या है और ग्रेट ब्रिटेन क्या है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में बात जान रहे हैं। सबसे पहले चार कंट्रीज देख लेते हैं जिसे कंट्रीज कंसिडर किया जाता है, परंतु उनका एक यूनियन है, यूनियन ऑफ सम किंगडम्स। जैसे यूएई में एमिराइट्स होते हैं, ये वैसे नहीं है, ये अलग है, क्योंकि इसमें सब सॉवरेंटी ज़्यादा देखने जाएंगे। डायरेक्टली देखिए ज्योग्राफिकल लोकेशन ही देखेंगे, अदरवाइज वीडियो विल बी टू लॉन्ग। सो सबसे पहले क्या चीज़ें देखिए आप, एक तो आ गया आपका स्कॉटलैंड और दूसरा आ गया आपका नॉर्थ आयरलैंड, और उसके बाद आ गया आपका ये वेल्स है, और वेल्स के बाद आप देख सकते हैं ये वाला एरिया इंग्लैंड। जो ये इंग्लैंड है, इसी इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है यूके शब्द का, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपके इंग्लैंड, इंग्लैंड तो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ये खुद है, और इसके लिए यूके शब्द का प्रयोग किया जाता है, और ग्रेट ब्रिटेन का प्रयोग भी किया जाता है, और ब्रिटेन का प्रयोग किया जाता है। तो अब बोलेंगे आप, तो ये ब्रिटेन नहीं है, ये ग्रेट ब्रिटेन नहीं है। जी हाँ, ये ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन नहीं है। तो आइए समझते हैं लोकेशन क्या है यूके की। सबसे पहले यूके की लोकेशन देख लेते हैं। यूके में चार कंट्रीज़ आती है, वेल्स, नॉर्थ आयरिश, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। इट मीन्स कि ये पूरा एरिया, जब हम पूरे एरिया को कंसिडर करेंगे, इसे हम यूके कहेंगे। पहली बात तो होगी यूके की। अब दूसरी बात आती है, यूके के बाद हम बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन की। अब ग्रेट ब्रिटेन कौन सा है? देखिए सिंपल सा फंडा है, जब हम यूके से निगलेक्ट कर देते हैं आपके आयरिश को, नॉर्थ आयरिश को, नॉर्थ आयरलैंड को जब कर देते हैं, इट मीन्स कि ग्रेट ब्रिटेन कौन सा हो गया? वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन। याद रखिए ग्रेट ब्रिटेन हो गया ये वाला। अब ग्रेट ब्रिटेन हो गया, यूके हो गया, यूके में चार, यूके में मैंने बताया चारों आएंगे, और ग्रेट ब्रिटेन में तीन आएंगे। अब बात आती है आपकी ब्रिटेन की, ब्रिटेन में क्या आएगा? जब हम स्कॉटलैंड को भी आउट कर दें और आयरिश को भी आउट कर दें, उसके बाद हम कंसीडर करें इंग्लैंड और वेल्स को, देन इट इज़ ब्रिटेन। ओके, अब यूके भी हो गया, यूके में चारों कंट्रीज आएगी, उसके बाद आया आपका ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में तीन आएंगे, उसके बाद जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में दो आएंगे, वेल्स और इंग्लैंड। और वेल्स और इंग्लैंड की बात, अब बात आती है मेनली इंग्लैंड के लिए, जिसके संदर्भ में ये कंसीडर किए जाते हैं। तो इंग्लैंड की आप ये ग्रीन बाउंड्री देख सकते हैं, ये है हमारा इंग्लैंड। आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे जो अंतर मैं दिखाना चाहता था, कि क्या अंतर है यूके में, ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड में और ब्रिटेन में। सो थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो अब अगले सेगमेंट में मिलेंगे जहाँ हम और नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।